हाई ऑल द एम बी एसपिरंस एंड द पेरेंट्स ऑफ एम बी एसपिरंस इन दिस वीडियो वी आर लुकिंग इन टू अ कॉलेज यूनिवर्सिटी है ये सो दैट इज़ द जैन यूनिवर्सिटी एंड इनके कॉलेज यानि इनके डिपार्टमेंट का नाम है सी एम एस तो कोर्सेज यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं मार्किटिंग एच आर बैंकिंग इंटरनेशनल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ये बहुत जगह अवेलेबल नहीं होता इसका जो टॉप कॉलेज है वो आई आई एफ टी है एवियशन एंड एरोस्पेस बहुत जगह अवेलेबल नहीं है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बहुत जगह अवेलेबल नहीं है एंड लग्जरी एंड डिजिटल बिजनेस देन यू हैव द बेसिक वंस लाइक फाइनेंस एस सी एम ऑपरेशन एंड बिजनेस एनालिटिक्स एंड बाकी फैमिली एंड एंटरप्रेन्योरशिप में भी अवेलेबल है डूएल स्पेशन हैं जैसे मार्केटिंग एंड फाइनेंस फाइनेंस एंड एच आर फाइनेंस एंड बैचलर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स मार्केटिंग एंड बिजनेस एनालिटिक्स तो काफ़ी सारे यहाँ पर डूएल स्पेशन अवेलेबल हैं प्लेसमेंट्स यहाँ पे हम बोलेंगे कि मैं तीन कैटेगरी क्रा, क्रा, में डाल रहा हूँ फर्स्ट कैटेगरी वन वो कॉलेजेस हैं कैट वन जिनकी मीडियम सैलरीज ट्वेंटी प्लस है सेकंड वो आते हैं कैटेगरी टू में जिनकी जो सैलरीज होती हैं वो पंद्रह से बीस में होती हैं थर्ड कैटेगरी में थर्ड कैटेगरी में जो आते हैं जिनकी फीस जिनकी सैलरीज होती है टेन टू फिफ्टीन में होती है फोर्थ में वो होते हैं जिनकी फी सैलरीज जो होती हैं वो सिक्स टू टेन में होती हैं और पाँचवें में वो होते हैं जो लोग की थ्री टू सिक्स सैलरीज में होती है तो दिस इज़ गिविंग यू लाइक एन एट लैक्स एट लैक्स सैलरी तो ये थ्री या फोर के आसपास आएगा एंड अगर आप फिफ्टी टू सेवेंटी परसेंट आई ला रहे हो कैट में या आपको लग रहा है कि मेरे ऐसे आएंगे दिस इज़ वन यूनिवर्सिटी दैट एट लीस्ट यू शुड अप्लाई टू अप्लाई करके रख देना चाहिए यहाँ पे uh, इनकी रैंक सेवेंटी सेवेंथ है एन में और एट लैक्स की मीडियन सैलरी है प्लेसमेंट इन्होंने जो एवरेज पीजी का बताया ये एवरेज है ये सिक्स लाख से करीब है एंड दिस इज फॉर द डेट ऑफ 2020 जो इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है एंड नाउ दिस हैज ग्रोन टू मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि ये ग्रोथ कर रहा है और अब ये नियरली नाइन लाख के आसपास आ गया क्यों ऐसा हो रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ द लोकेशन एंड द लोकेशन विच इज़ बैंगलोर तो अभी एवरेज सी टी सी जो ये बता रहे हैं दैट इज सिक्स पॉइंट टू का है दिस इज करेंटली डिस्प्लेड यह भी ट्वेंटी ट्वेंटी टू के आसपास का है बाकी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का तकरीबन आठ साढ़े आठ लाख है और ये थोड़ा सा बढ़ सकता है कट ऑफ्स आप एग्जाम्स जो भरेंगे दैट इज एन मैट कैट ये दो भर रहे हैं थर्ड जी मैट फोर्थ सी मैट गलती नहीं करनी है कि हम सी मैट ना भरें सीमैट <coughs> भर लेना है क्योंकि अगर बाई चांस फॉर वॉट एवर रीजन इट मे भी कि हमारा एन मैट कैट और जैट में अच्छा परसेंटाइज नहीं आया सीमैट में आ गया सो वी कैन एटलीस्ट गेट जैन यूनिवर्सिटी एंड वी कैन स्टडी देयर एम बी एंड देन गेट अ जॉब जो इनकी फीस है दैट इज रफली टेन लैक्स की uh, करीब है सो so ये अफोर्डेबल हो जाती है ये बहुत ही अफोर्डेबल हो जाती है कंपेयर टू अदर कॉलेजेस इन बैंगलोर और फिर हमें एक हंड्रेड परसेंट के आसपास पास आर आई हो जाता है हमारा हंड्रेड नहीं तो कम से कम नाइन्टी परसेंट आर आई के आसपास हमें आने लगता है और ये अफोर्डेबल इसलिए है क्योंकि टेन लैक्स ये दे रहे हो आप दो साल के लिए प्लस आप हॉस्टल ले लो तो आप फोर्टीन लैक्स के करीब आ जाओगे और आप ये क्राइस्ट के आस आ जाओगे जो क्राइस्ट भी इतनी फीस ले रहा है सेंट जोसेफ्स भी इतनी ही फीस ले रहा है सेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तो ये काफी अच्छे कॉलेजेस आ जाएंगे थोड़े इनसे हल्का सा नीचे ही आएगा आई एस बी एम या आई एस बी आर जो बैंगलोर के कॉलेजेस हैं सो ये उनके ऊपर ही लाई करेगा और इनमें आप जाके सर्टिफिकेशन कर सकते हैं फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट स्कूल्स जैसे कि आप आई से अपना सर्टिफिकेशन कर सकते हैं और आई से अपने सर्टिफिकेशन कर सकते हैं रिगार्डिंग सम सर्टिफिकेशन इट कैन बी बिजनेस एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन मार्केटिंग सर्टिफिकेशन फाइनेंस सर्टिफिकेशन ये तीन आप कर सकते हैं एंड दैट विल गिव यू अ बेटर ग्रोथ तो एडमिशन प्रोसेस में रिटर्न टेस्ट है जिन्होंने जो इसमें हमने एक इन्फॉर्मेशन देख ली है जो याली कि उसमें कैट जैट मैट सी मैट सब रहेगा फिर एस राइटिंग प्रेजेंटेशन पर्सनल इंटरव्यू ये करीब करीब उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ट्वेल्थ में टेंथ में रफली सेवेंटी फाइव टू एट्टी फाइव परसेंट मार्क्स लाए हैं ग्रेजुएशन में रफली सेवन सी जी पी ए लाए हैं और जहाँ पर उन्हें लग रहा है ये बहुत कॉम्पिटिशन हो गया है आई जस्ट वॉन्ट कि कहीं पर एक सॉर्ट ऑफ सॉर्ट ऑफ़ डायरेक्ट एडमिशन जैसा मिले जहाँ से मुझे कम से कम आठ दस लाख की यह सैलरी मिले उतनी ऑपरचुनिटी मिले बाकी तो मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हूँ मेरी कम्युनिकेशंस अच्छी है मैं बाकी तो कर लूँगा मेरे को ब्रांड का उतना नहीं है कि नहीं मुझे आई एम से ही पढ़ना है कुछ इस तरह की अगर सोचे तो दिस कैन बी अ वेरी गुड कॉलेज <coughs> ये इनकी वेबसाइट है जहाँ पे लॉग इन करके आपको रजिस्टर करना है तो कुछ इस तरह का दिखेगा एंड यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये करने के बाद यू विल गेट रजिस्टर्ड विद देम और ईमेल पे सारी कन्वर्जेशन हो जाएगी इन्होंने अपना एग्जाम भी रखा हुआ है सो इफ़ यू वॉन्ट टू गिव दैट यू कैन गिव दैट एज वेल सो कैट पे ये कह रहे हैं कि फिफ्टी परसेंटाइल पर कॉल करेंगे मैट के फाइव फिफ्टी परसेंट फाइव फिफ्टी मार्क्स पे कॉल करेंगे और एंड मैट के वन सिक्सटी पे करेंगे इतना अगर आप ला रहे हो दिस कैन बी अ कॉलेज विच यू कैन लुक इन ठीक है सो दिस इज़ ऑल दिस इज़ ऑल दिस इज ऑल एंड दीज आर माई सर्विसज जिसमें अकेडमिक मैंटरशिप है जो आपको डिसिप्लिन टाइम मैनेजमेंट बताएगा एट योर ग्रेजुएशन रिलेशनशिप कंसल्टिंग है फॉर योर विद योर फ्रेंड्स विद योर बॉस विद योर कलीग्स कोई प्रॉब्लम है विद योर पार्टनर कोई प्रॉब्लम है तो आप बात कर सकते हो इसमें मेनली इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन की बात होगी थैंक यू वेरी मच दिस इज योर करियर काउंसिलर सागर आनंद थैंक यू फॉर वॉचिंग